हेलो एवरीवन वेलकम टू इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग आज के इस वीडियो में हम हिस्टोग्राम को डीप में देखेंगे व्हाट इज़ हिस्टोग्राम हिस्टोग्राम क्या है हिस्टोग्राम इज ए ग्राफिकल टेक्निक दैट रिप्रेजेंट द डिस्पर्शन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा हिस्टोग्राम एक एक ग्राफ है जो किसी टाइम इंटरवल में लिए गए न्यूमेरिकल डेटा का बार ग्राफ द्वारा फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाता है हिस्टोग्राम हेल्प्स टू समराइज द डेटा टेकन फ्रॉम एनी प्रोसेस हिस्टोग्राम प्रोसेस से लिए गए डेटा को समराइज करने में हेल्प करता है इट अल्सो हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द चेंजेस हैपनिंग इन द प्रोसेस यदि प्रोसेस में कोई बदलाव हो रहा है तो उसको समझने में हमारी हेल्प करता है इट गिव्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कंप्लीशन ऑफ कस्टमर्स डिमांड फ्रॉम आवर प्रोसेस यह प्रोसेस के बारे में भी बताता है कि यह प्रोसेस कस्टमर की डिमांड को पूरा कर सकता है या फिर नहीं वी नीड टू न्यूमेरिकल डेटा यूज द हिस्टोग्राम टूल हिस्टोग्राम का उपयोग करने के लिए हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा होना चाहिए डेटा जितना ज्यादा होगा एनालिसिस का रिजल्ट भी उतना बेहतर होगा पार्ट्स ऑफ हिस्टोग्राम इस डायग्राम में पार्ट्स ऑफ हिस्टोग्राम नंबर से डिनोट किए हैं एक टाइटल इट कंटेंट्स द मेन इंफॉर्मेशन ऑन हिस्टोग्राम इज बिल्ट इसमें ग्राफ की मेन इंफॉर्मेशन दी होती है सेकेंड x axis or horizontal axis this contain the average value of a data summarized for a certain period of time third bar chart it contains two important parameters height and width height shows the number of times the value within an interval occur and width represent the length of interval covered which is same for all the bars in the histogram. Fourth, y axis or vertical axis. It represents the frequency of the values occurred within the interval. Fifth, legend. It provides the additional information about where the collected data is from and how it is collected. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो नोन एज बेल शेप करव इन दिस डेटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली ऑन बोथ साइड फ्रॉम सेंटर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को बेल शेप कर्व भी कहा जाता है इसमें डेटा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के दोनों ओर बराबर होता है इसका आकार घंटी की तरह होता है इसीलिए इसे बेल शेप कर्व भी कहते हैं यह है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डाइग्राम नेक्स्ट है राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन वेन लेफ्ट साइड डेटा वैल्यू आर मोर देन राइट साइड डेटा वैल्यू इन द प्रोडूस ग्राफ देन इट इज़ कॉल्ड एज अ राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन जब लेफ्ट साइड में ज़्यादा डेटा वैल्यू हो जाती है और राइट right साइड में कम डेटा वैल्यू होती है तब राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन बनता है इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन इसे हम पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं और यह है राइट right साइड स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन की डायग्राम नेक्स्ट है लेफ्ट स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन वेन राइट साइड डेटा वैल्यू आर मोर देन द लेफ्ट साइड डेटा वैल्यू इन अ प्रोड्यूस ग्राफ देन इट इज कॉल्ड एज अ लेफ्ट स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन जब राइट right साइड में ज़्यादा डाटा वैल्यू हो जाती है और लेफ्ट साइड में कम डेटा वैल्यू हो जाती है तब लेफ्ट स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन बनता है इट इज ऑल्सो नोन एज अ नेगेटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन जिसे हम नेगेटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं और यह है लेफ्ट स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन की डायग्राम डबल पिक और बाय बायल डिस्ट्रीब्यूशन इट कंटेंस टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ कनेक्टेड टू ईच अदर एंड फॉर्म वन ग्राफ नोन एज अ डबल पिक और बायल डिस्ट्रीब्यूशन इसमें दो पिक होते हैं दोनों को अलग अलग करके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे एनालाइज करना चाहिए नीचे दिए गए डायग्राम डबल पिक और बायूल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है नेक्स्ट है प्लेट्यू डिस्ट्रीब्यूशन और मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन मोर देन टू पिक्स आर ऑब्जर्व ऑन अ ग्राफ इसमें अलग अलग कई प्रकार के पिक्स होते हैं वेन टू और मोर प्रोसेसेस डेटा आर मिक्सड देन दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ डेटा इज ऑब्जर्व जब दो या अधिक प्रोसेस के डेटा को मिलाया जाता है तब हमें इस प्रकार का डेटा डिस्ट्रीब्यूशन प्राप्त होता है यह है प्लेटिव डिस्ट्रीब्यूशन की डायग्राम हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्शन हिस्टोग्राम को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है उसको एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कलेक्ट एटलीस्ट 50 कॉन्जिकटिव डेटा पॉइंट फ्राम अ प्रोसेस कम से कम 50 कॉन्जिकटिव डेटा को किसी भी प्रोसेस से कलेक्ट करें यूज़ द हिस्टोग्राम वर्कशीट टू सेटअप अ हिस्टोग्राम इट विल हेल्प यू टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ बार्स हिस्टोग्राम सेटअप करने के लिए हिस्टोग्राम वर्कशीट का उपयोग करें इसमें कितने वर्टिकल और हॉरिजोटल बार लगेंगे वो पता चल जाएगा इट गिव्स द रेंज ऑफ नंबर्स दैट गो इन टू इच बार एंड द लेबल्स फॉर द बार एजेस हिस्टोग्राम में रेंज बार की वृथ डिसाइड करती है और हर बार को किसी नंबर का लेबल भी देती है देन ड्रॉ एक्स एंड वाई एक्सिस ऑन अ ग्राफ पेपर एक्स और वाई एक्सिस को ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रॉ करें मार्क एंड द लेबल द एक्स एक्सिस विद द वैल्यूज फ्रॉम द वर्कशीट एक्स एक्सिस को वर्कशीट में प्रेजेंट वैल्यूज के साथ नॉमिनेट करो द स्पेस बिटवीन दिज नंबर्स विल बी द बार्स ऑफ द हिस्टोग्राम इन वैल्यूज के बीच में का जो स्पेस है वही हिस्टोग्राम के बार्स होंगे डो नॉट अलाउ फॉर स्पेसिस बिटवीन बार्स वर्कशीट में से हर एक पॉइंट का काउंट करके उन्हें ग्राफ के ऊपर एक्स और वाई एक्सिस पर प्लॉट करें तो आपका हिस्टोग्राम बन जाएगा एग्जाम्पल टू कंस्ट्रक्ट अ हिस्टोग्राम फ्रॉम अ कंटिन्यूस वेरिएबल स्ट नीड टू स्प्लिट द डेटा इंटू इंटरवल्स इट्स कॉल्ड एज बीस हिस्टोग्राम को बनाने के लिए हमें वेरिएबल डेटा को इंटरवल्स में स्प्लिट करना पड़ेगा और इसी को हम बीन्स बोलते हैं इन एबव एग्जाम्पल एज हेज बीन स्प्लिट इंटू बींस विथ इच बीन रिप्रेजेंटिंग टेन ईयर पीरियड स्टार्टिंग एट ट्वेंटी ईयर्स ऊपर दिए गए एग्जाम्पल में वेरिएबल डेटा एज के फॉर्म में दिया है तो उसको 10-10 साल के बैच में डिवाइड कर देंगे जिसका स्टार्टिंग पॉइंट 20 साल होगा मींस पूरे वेरिएबल में 20 के नीचे कोई वैल्यू नहीं होगी हर एक बिन में आने वाले एज को काउंट कर लेंगे तो उसका फ्रिक्वेंसी बन जाएगा समझो 20 से 30 के बीच में दो वेरिएबल्स आते हैं तो उसका फ्रिक्वेंसी दो हो गया तो ऐसे सभी बिन का फ्रिक्वेंसी टेबलेट कर लेंगे नो डैट देर आर नो गैप्स बिटवीन द बार्स दो एडजस्टेंट बार के बीच में गैप नहीं होना चाहिए गैप तभी आएगा जब उस बार की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी एरिया ऑफ द बार इज़ द प्रोडक्ट ऑफ हाइट मल्टीप्लाइड बाय द विड ऑफ बार दैट इंडिकेट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंसेज विद इन दैट बीन हिस्टोग्राम में बार का एरिया उसकी फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑकरेंसेज बताता है हिस्टोग्राम का उपयोग कब कर सकते हैं वेन डेटा इज इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल जब डेटा न्यूमेरिकल हो वेन यू वॉन्ट टू सी द शेप ऑफ डेटाज डिस्ट्रीब्यूशन स्पेशली वेन डिटरमाइनिंग वेदर द आउटपुट ऑफ द प्रोसेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मली और नॉट जब हमें डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन शेप देखना हो विशेष रूप से यह देखते समय कि क्या किसी प्रोसेस का आउटपुट सामान्य रूप से प्राप्त होगा या नहीं वेन एनालाइजिंग वेदर अ प्रोसेस कैन मीट द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स और नॉट यह पता लगाने के लिए कि यह प्रोसेस कस्टमर की डिमांड को पूरा कर सकती है या फिर नहीं वैन सीइंग वेदर अ प्रोसेस चेंज हैज़ ऑकर्ड फ्रॉम वन टाइम पीरियड टू अनादर किसी एक प्रोसेस में दो अलग अलग टाइम पर कोई बदलाव तो नहीं आ रहा है ये देखने के लिए वैन डिटरमाइनिंग वेदर द आउटपुट ऑफ टू और मोर प्रोसेसेस आर डिफरेंट यह बताने में कि दो या दो से अधिक प्रक्रियाओं में आउटपुट अलग अलग है या नहीं वेन यू विश टू कम्युनिकेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ डेटा क्विकली एंड ईजीली टू अदर्स इसकी मदद से आप अपने जो डेटा कलेक्ट किया है उसके बारे में दूसरों को आसानी से समझा सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो